बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट वर्दा शोएब और एक बार फिर से आपको वेलकम कहती हूं हमारे बेहतरीन से शो में जिसका नाम है रिवायतों की लज्जत, जहां हम अपनी पुरानी रिवायात को जो है वो दोबारा से उजागर करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं मज़े मज़े की रिवायती रेसिपीज़। तो जनाब, आज के अपने शो में जिनको मैंने इन्वाइट किया है, जो कि हमारी एक्सपर्ट हैं, वो एक बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट हैं और साथ ही वो वेट लॉस एक्सपर्ट हैं। ये नाम तो सुनते ही जो है जनाब, तमाम खवातीन जो हैं वो फ़ौरन अलर्ट हो गई होंगी और एकदम से टीवी के आगे बैठ गई होंगी, क्योंकि हम तमाम खवातीन का यही मसला है वेट लॉस। हर कोई जो है आजकल जो है वो हेल्थ कॉन्शियस हो गया है और चाहते हैं अपना वेट लॉस करना। तो जनाब, आपके जहन में भी कुछ सवाल होंगे, मेरे जहन में भी कुछ सवाल हैं, तो आइए मिल के सवाल जवाब करते हैं डॉक्टर मुबशरा से और उनको इन्वाइट करते हैं। तो आइए डॉक्टर मुबशरा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, सबसे पहले तो ये एक बेहतरीन चीज़ मुझे पता चली है कि आप माशाल्लाह न्यूट्रिशनिस्ट तो हैं ही, लेकिन आप वेट लॉस एक्सपर्ट भी हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आज रेसिपी जो आप बनाने वाली हैं वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है या वो वेट लॉस के लिए बेहतरीन है? दोनों। एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और काफ़ी लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आता, क्योंकि जब क्रैश डाइट करते हैं तो यूजुअली फेस पे असर होता है, यानी बहुत ज़्यादा ड्रेनड आउट होते हैं, बालों का गिरना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ जैसे ही ये वज़न लूज़ करने के 2 या 3 महीने बाद वापस नॉर्मल डाइट प्लान पर आते हैं तो एक्सट्रीमली वेट गेन होता है। ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जो हैं वो फोकस करते हैं कि हम बस वेट लॉस कर लें, और जब वेट लॉस करने पे आते हैं हम चाहते हैं कि हमारा बस एकदम से जो कहते हैं ना पलक झपकी और वेट लॉस हो गया। वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आपने फाके करने हैं, आपने अपने मील स्किप करने हैं। अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो मील्स स्किप करना शुरू कर देते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स का ख्याल नहीं रखते, जो न्यूट्रिशंस और जो विटामिंस जो उनको प्रोटीन चाहिए होता है वो उस क्वांटिटी में नहीं लेते, जिसकी वजह सबसे पहले आपके फेस पे नज़र आ जाती है, आपके डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आपकी स्किन सैग हो जाती है, और स्पेशली फेस का जो एरिया है आपका, जो स्पेशली चीक है, लाफ लाइंस है, वो सबसे पहले हिट करता है। एक्चुअली ये होता ही है कि जब अगर हम इनफ वाटर कंटेंट ना लें, यानी अगर बहुत ज़्यादा पानी ना पिए, अक्सर ये होता है कि हमारी बॉडी 90% ऑफ वाटर है, तो अगर हम पानी स्किप आउट करेंगे तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन में जाएंगे, और गर्मी हमारी यहाँ इतनी है कि वी नीड, जहाँ पे 12 to 14 ग्लासेज होते हैं उसको डबल अप करना पड़ता है। स्पेसिफिकली अगर हम वेट लॉस की बात करते हैं तो एटलीस्ट 20 to 22 ग्लासेस पीना चाहिए। एग्जैक्टली, ये बात हकीकत है कि अगर आप डाइट कर रहे हैं या आप अपने मील्स को जो है वो पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, सबसे ख़ास ख्याल आपको रखना है, वैसे भी रखना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप डाइट करें, पानी का इंटेक हमें बहुत ज़रूरी है, पानी का इंटेक जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमें पानी लाजमी जो है वो रेगुलरली जो है वो लेना चाहिए। तो जनाब स्टार्ट करते हैं, बातें तो चलती रहेंगी, बहुत सी गपशप होगी, जहाँ वेट लॉस की एक्सपर्ट आ गई हैं तो हम खामोश तो हो ही नहीं सकते उनके साथ। तो जनाब, अच्छा मुझे बताएं आप क्या बना रही हैं? अच्छा, आज जो मैंने वेजिटेबल ली है वो अक्सर आपने ये सुना भी होगा, देखा भी होगा कि हाई प्रोटीन पर बहुत जाते हैं, ठीक है ना, यानी आई वुड से कि चिकन या बीफ स्टेक पर बहुत जाते हैं, तो मैंने आज स्पेसिफिकली ऐसी सब्जियाँ चुनी हैं जो आपका वज़न के साथ साथ आपके होमोग्लोबिन जो एचबी लेवल है उसको अपलिफ्ट करेगा, नंबर 2 बालों को गिरने नहीं देगा, जो अच्छा। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंड 3rd एंड द मोस्ट के आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को लेवल आउट करेगा, यानी लोअर पे जाएगा। सो जो लोगों को डायबिटीज़ है और जो लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई है उसको बैलेंस आउट करेगा। तो आज हम बना कर रहे हैं, दो सब्जियों को मैंने लिया है, कुल्फा और चौलाई की सब्जी, और इसकी पहचान ये है, चौलाई की सब्जी, क्योंकि ये नाम इतना कॉमन नहीं है, इजीली नहीं सुनाई देता, आराम से मिलता है हर जगह, सब्जी की दुकान पे मिल जाता है, ठेले पे मिल जाता है, आराम से, पाकिस्तान में इतना नहीं कि मैंने नाम सुना नहीं है, बिल्कुल इसी कॉमन भी नहीं है, इसीलिए मैंने ये लिए कि जो इसकी पहचान ये कि जितने बड़े पत्ते हैं वो है कुल्फा के, ठीक है। अच्छा, ये मैं चाहूँगी कि आप इनको स्टेप कट करके दिखाएं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि चौलाई की सब्जी और कुल्फे में फ़र्क क्या है। अच्छा, ये तो हो गया जी कुल्फा, सबसे जो छोटे छोटे पत्ते हैं, अच्छा ये है चौलाई, ठीक है। अच्छा जी, इसको फोकस करें, मैं चाहूँगी कि आप देखें, ये जो बड़े पत्ते जो हैं ये कुल्फे के हैं और ये छोटे जो पत्ते हैं वो चौलाई के हैं। बिल्कुल।
अच्छा, और ये दोनों सब्जियां मिक्स करके हम बनाएंगे? बिल्कुल। तो आपने कितनी क्वांटिटी में दोनों को लिया है? अच्छा, ये मैंने तकरीबन आती ये बहुत बड़े बड़े स्टेम्स में है। हाँ, of course। और इसके जो स्टेम्स होते हैं, खासियत ये होती है कि कुल्फा के जो स्पेसिफिकली स्टेम होते हैं वो होते हैं रेड कलर के, यानी जो शाखें होती हैं वो पूरी रेड होती हैं, और जो चौलाई की सब्जी है बहुत सॉफ्ट और लाइट ग्रीन होती है। अच्छा, तो ये इसकी पहचान है। अच्छा, इसकी अलग भी और भी रेसिपीज हो सकती है कि अगर हम इसके स्टेम्स ऐड इन करना चाहें तो वो पोटेशियम की तरफ जाती है, एज इट होल कुल्फा में तो होता ही पोटेशियम है, और ये कहा जाता है कि ये ओमेगा 3 का किंग है। यानी जहाँ पे आपने 500 IU इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से अगर आपने ओमेगा लिया है और लेना चाहिए हर किसी को, तो उसके बजाय अगर आप चौलाई आधा पाओ एवरी डे एज ए मेडिसिन लें तो वो बेहतरीन आपका न्यूट्रिएंट वैल्यू रखेंगे। सही? सही। अच्छा जी, जो चौलाई है उसमें ऑल द विटामिंस मिनरल्स यानी विटामिन ए ई एंड सी शामिल है और इसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपको ज़्यादा कुकिंग नहीं होती, यानी जो सब्जियां होती हैं ना कि बहुत टाइम लेती है गलने के लिए, ये मैं वैसे बताती चलूँ कि 1.5 मैं टीस्पून ले रही हूँ, बल्कि टीस्पून भी नहीं टेबलस्पून ले रही हूँ ऑयल का, ये तकरीबन एक मेजरमेंट से, और इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाला जाता। अच्छा। क्योंकि अगर जितना हम सब्जियों में मसाले डालते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिएंट है वो हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी कहते हैं सब्जियों को ज़्यादा काटे नहीं, जितना आप सब्जियों को काटेंगे उतने भी उनकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम होते चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा वर्दा। और इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ 2 प्याज। ठीक है, 2 मीडियम साइज। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको हमने बारीक नहीं करना, इसको हमने थोड़ा सा कहते हैं ना कि 2 प्याज़ लंबी लंबी आपने शाखें काटनी है, और इसके साथ हम स्लाइस करना है, लेकिन थिनली स्लाइस नहीं करना, थोड़ा सा आपने हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सब्जी ज्यादातर 10 या 15 मिनट में पक जाती है। अच्छा अच्छा, इसमें कड़वाहट नहीं रहती? क्योंकि बिल्कुल भी नहीं, सब्जियों में कहा जाता है कि जब वो पानी छोड़ती है तो थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने इसमें ज्यादा मसाला इस्तेमाल नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ जीरा इस्तेमाल करना है, और अच्छा। थोड़ा सा मैं इसको स्टर कर लूं। चलें, आप जब तक अपने तमाम मसाले ऐड करिए, फिर हमें ब्रेक पे भी जाना होगा, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स देख लें कि आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं, और फिर हम उस पर जो है वो फिर ब्रेक ले लेंगे बाद में। बिल्कुल, अभी मैंने थोड़ा सा प्याज, इसको फ्राई नहीं करना बट थोड़ा सा गीला ऑयल में करना है। अच्छा। और इसके साथ साथ मैंने ऐड किया लहसुन। लहसुन भी आपने जो है वो मोटा मोटा कट? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने अभी बहुत अच्छा सवाल पूछा कि यूजली कड़वाहट पन आ जाती है, तो वो नहीं, हमने ज़रा मोटा लहसुन मोटा लहसुन को मिला, आप इसे कूट लें, इसको एक तरीके से कह सकते हैं आप रफली। बिल्कुल बिल्कुल, सही जनाब। अच्छा, अब हम प्याज को ब्राउन करेंगे? ब्राउन नहीं करेंगे, बस जैसे कहते हैं ना गीला करना प्याज को। हाँ बिल्कुल सही, ब्राउनिंग। तो जनाब, जब तक प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो रही है हल्की सी, यानी कि कच्ची पक्की हो रही है, और लहसुन भी जो है वो फ्राई हो रहा है, इस वक्त वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए रिवायतों की लज्जत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और हम बना रहे हैं रिवायतों की लज्जत में बहुत ही ज़बरदस्त सी कुल्फे और चौलाई की सब्जी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने प्याज जो है वो हल्की सी कच्ची पक्की करनी थी, और ये आई थिंक हो गई है, जी जी ज़्यादा ही हो गई है। बिल्कुल, फटाफट से बताएं क्या करेंगे। अच्छा, हमने अब डालनी है हरी मिर्च। अच्छा ठीक है, और ताकि थोड़ा सा स्पाइसी। ये अंदाजन कितनी हरी मिर्च ली है आपने? दो हरी मिर्च, बड़ी बड़ी, छोटी वाली नहीं, बड़ी ग्रीन चिली। बिल्कुल, और इसके साथ साथ मैं जरा ये चूल्हा आहिस्ता कर लूँ, सही, क्योंकि ये दम पे पकेगी। और इसके साथ मैंने ऐड इन किया जीरा। ओके, यानी हसबे जायका, हस्बे जायका ना, एक हस्बे काफ़ी लोगों को वैसे पसंद नहीं होता, बट आई लव जीरा। जीरा ठीक है, और खुशबू भी बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त आती है, और हाजमे के लिए गैस्ट्रो जिनको इश्यू होता है उनके जीरा एक्सेलेंट है। एक्सेलेंट, वैसे आप अंदाजन हाफ अ टीस्पून तक जी बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये दोनों सब्जियाँ इसमें एज अ स्टीम पकेगी, कुल्फा और चौलाई की सब्जी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस अथॉराइटिस, यानी जिनको हड्डियों का भूरापन है उनके लिए ये एक्सेलेंट है,
और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पूरे वर्ल्ड में सोराइसिस जो एक्जिमा की बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, बिल्कुल इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन स्किन की इन्फ्लेमेशन जो होती है उसमें चौलाई की सब्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जितना लें वो उतना कम है एंड इट्स अ रेमेडी। अच्छा, तो मतलब टैबलेट्स वगैरह नहीं होती, बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ चौलाई की सब्जी आधा पाव रोजाना एज ए मेडिसिन लें तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो सकती है। आप चाहें तो आप स्मूदी बना के भी चौलाई की सब्जी के ले सकते हैं। नहीं, स्मूदी नहीं अगर आप बनाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये इसमें एडेड नहीं होगी क्योंकि स्मूदी के लिए आपको ब्लेंडर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एज इट इज लीव्स खाया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। रेशो नहीं बताया इसका, कुल्फा कितना? कुल्फा मैंने एक एक गड्डी ली है, ये हमेशा गड्डी में आती है, खुली नहीं आती। तो यानी आपने लिया आधा पाव कुल्फा, आधा अच्छा। पाव चौलाई की सब्जी, दोनों को यानी कि इक्वल रेट लेना है, बिल्कुल लेना बिल्कुल है, और हड्डियों के लिए भी एक्सेलेंट है, जो घर में जिनको इवन पेन मैनेजमेंट की इश्यूज हैं या बैक एक सर्वाइकल का इश्यूज हैं, तो ये सब्जी एक्सेलेंट है। अब हमने करना क्या है कि इसको एज हल्का आपने थोड़ा सा फ्राई हो जाए जब प्याज, तो इसको स्टीम में छोड़ देना, बिल्कुल। मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि मुबशिरा ने कुल्फा और चौलाई की सब्जी को कट नहीं किया है, इन्होंने खाली इसको डंडी से मैं थोड़ा सा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वॉश करके ड्राई करके डायरेक्टली एज इट इज पकाया है, वरना यूजली काटते हैं उसको। हाँ, बारीक काट देते हैं, उसकी जो न्यूट्रिएंट वाली है वो खत्म हो जाती है। और अगर आप कोई स्मूदी या किसी चीज में एड इन करना चाहें तो मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि ये सब्जी इटसेल्फ जैसे ऑस्टियोपोरोसिस अर्थराइटिस में काम आती है, एनीमिया जिनको जैसे होमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा लेस है, और ये डार्क सर्कल्स की बहुत ज़्यादा शिकायत है नींद की ना आने से, और इवन थकन से या कोई भी मेडिकल इशू से। तो स्पेसिफिकली कुल्फा और चौलाई की सब्ज़ी आप लोग ज़रूर लें, हफ्ते में एटलीस्ट 3 to 4 times। आधा पाव अगर लेना चाहें तो ले लें दोनों को इक्वल मेजर करके, और इसका पकाने का तरीका बहुत आसान सा है, बहुत ही आसान। इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, नथिंग नथिंग, कोई दही नहीं, कोई टमाटर नहीं। अगर हाँ, अगर कुछ लोगों को जैसे फैमिली काफ़ी बड़ी है तो उसमें आप तकरीबन 2 to 3 टमाटर ऐड इन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर फ्लेवर के साथ साथ, क्योंकि इट्सेल्फ जब आप ज़ीरा डालते हैं तो वो फ्लेवर हो जाता है। और अगर बहुत काफ़ी लोगों को स्पाइसेस खाने की आदत है, बहुत तेज़ खाते हैं, तो थोड़ा सा आपने नमक ऐड इन कर लें इन द लास्ट। अच्छा, यानी कि आपने इसमें कोई स्पाइसेस भी ऐड नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपने सिर्फ इसमें नमक ऐड किया है, बिल्कुल। अच्छा, वैसे आपको पता है यानी कि हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर हरी पत्तों वाली सब्जी का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता। एग्जैक्टली नहीं, और सब्जी खास तौर पे पता नहीं घरों में ज़्यादातर, खैर बच्चे और अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि जिस दिन सब्जी बनती है ना उस दिन शक्लें बनती हैं, शक्लें बनती हैं बहुत अच्छे, जिस दिन सब्जी बनी है उस दिन घर में शक्लें बनती हैं। तो जनाब सब्जी जो है वो बहुत ही हेल्दी होती है, सब ये बात जानते हैं, और हरे पत्तों वाली सब्जी स्पेशली जिसमें पालक आता है, कुल्फा आता है, मेथी आती है, ये सब सब्जियाँ हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। मुबशिरा, एक मुझे बात बताएं जी। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, जैसे तो आप 100% आपको पता होगा आई एम श्योर, लेकिन मैं चाहती हूँ इस तरह से हमारे व्यूवर्स को पता चले कि कुल्फे में ऐसा कौन सा वाइटामिन है जो बहुत ज़्यादा शामिल होता है। देखिए, वाइटामिन के 4 तो शामिल है, ठीक है। अब अगर आप ये चाहें कि स्पेसिफिकली हो तो वाइटामिन ई का इस्तेमाल, जो इवन स्किन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वाइटामिन सी भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ए भी बहुत ज़्यादा वाफे मकदार में है। एग्जैक्टली, 4 जो वाइटामिन रहती हैं अगर वो आप उसको लेके चलें, यानी 4 वाइटामिन ए ई के, ठीक है, एन सी ना। सी में यूजली होता है कि हम लोग कैल्शियम्स का यूजली ऐसी गोली ले लेते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो, राइट। बट स्पेसिफिकली क्योंकि हम एनीमिया पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस अर्थराइटिस को डील कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हम सोराइसिस जो एक बहुत ज़्यादा एक अलमिया है क्योंकि इसका कोई हल नहीं है, तो अगर आप इस चीज़ों में डील कर रहे हैं तो यू हैव टू नो ऑल योर वाइटामिन्स। सोराइसिस का और क्या कहते हैं, वैसे भी तो इनके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी और है, और वजन लूज करने के लिए, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल को ये लेस कर रहा है। Exactly. तो जाहिर बात है अगर ये कोलेस्ट्रॉल कट करती है, बिल्कुल, अगर अदर वर्ड्स यूज करें तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को सब्जी जो है वो कट करती है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन है। जाहिर बात है अगर आपका शुगर लेस होगा तो आप वजन लूज करेंगे जल्दी, और इवन कुछ फाइंडिंग्स हैं कि अगर आप इसमें सॉल्ट ना डालें तो इसमें पोटेशियम
लेवल इतना हाई है कि ये आपके हाइपोथायराइड पेशेंट्स को भी आप दे सकते हैं। तो उनके लिए थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत इशू होता है कि वो क्या खाएं क्या ना क्या नहीं खाएं, उनके लिए बहुत वो चूज करनी पड़ती है उनको खाने में। हाँ, चाहे सब्जी हो चाहे देखिए सोडियम लेवल जो भी अगर आप लेते हैं, जैसे पालक का आपने जिक्र किया तो ये एक्सेलेंट आयरन कंपोनेंट है, ठीक है। अगर आप उसके सिर्फ और सिर्फ ये होता ही है कि अगर आप उसके पत्ते अच्छी तरीके से वॉश आउट कर लें और अगर आप उसको कोकोनट यानी खोपरे के साथ पकाएं तो एक्सेलेंट सोर्स, क्योंकि उसमें आपका ऑयल भी आ गया बिल्कुल। कोकोनट यानी सादा कोकोनट या आप जैसे क्रश किया हुआ कोकोनट होता है बिल्कुल, आपने आराम से खोपरा जिसे हम कहते हैं सूखा हुआ कोकोनट पाउडर, पाउडर तो नहीं कहेंगे जो कोकोनट जो होता है बिल्कुल, और वो उसके साथ अगर आप एड इन कर लें। और हाइपोथायराइड पेशेंट के लिए अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं कि हफ्ते में 2 दफ़ा ले लें तो नथिंग लाइक इट, वजन भी लूज होगा, क्योंकि अक्सर ये होता है पेशेंट्स का कि 4 to 5 kilograms बढ़ावा होना चाहिए यूजली। अच्छा। अगर आपका हाइपोथायराइड पेशेंट है, बट यूजली जो मेरी फाइंडिंग्स है इन पाकिस्तान, इनका 20 to 40 kilos बहुत ज़्यादा मैसिवली बढ़ावा होता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये कि जो बाल हैं वो आपके रूट से वाइट होना शुरू होते हैं, प्रीमैच्योर ग्रेन जिसे हम कहते हैं। एग्जैक्टली यंगस्टर्स में स्पेशली ये बहुत इशू आ रहा है, तो रीज़न ही यही है यंगस्टर्स का, सुन लें आप लोग। तो हम लोग सब्जियां लेते नहीं हैं कुछ भी, और स्पेशली ग्रीन पत्तों वाली जो हरे पत्तों वाली सब्जियां होती हैं उनका इंटेक हम करते नहीं हैं। अब फिर हम कोशिश करते हैं कि हम केमिकल्स की तरफ चले जाएँ या फिर कोई रेमेडीज़ जो है वो यूज़ करें ताकि बस झटपट हमारी प्रीमेच्योर एजिंग भी ना हो, ग्रेइंग हेयर्स भी ना हो और हमारी स्किन भी खूबसूरत रहे। तो जनाब इन सबका एक छोटा सा हल है कि अपनी डाइट में आप कोशिश करें आप सब्जियों का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी भी हमें जो है अपनी नेमतें अता फरमाई हैं चाहे वो सब्जियां हों चाहे वो कुछ भी हो, उन सब में कहीं ना कहीं वो ग़िज़ायात मौजूद हैं, वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो सब्ज़ी जो है वो बन रही है, इसी के साथ ही वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और कुल्फे और चौलाई की सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप देखें कितनी झटपट और क्विक बनी है, बिल्कुल इट टुक ओनली 15 मिनट्स, और उसमें मुझे कम लग रहा है। हाँ, तो ज्यादा हो तो बिल्कुल टेक ऑफ कोर्स 15 टू 20 मिनट्स ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपने इसको बहुत ज्यादा आई वुड से कि क्वांटिटी में पका रहे हैं और ले रहे हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 मिनट्स के अंदर डिश आउट करना है, अदरवाइज तो ये होगा कि सॉग हो जाएगी यानी बिल्कुल खाने के भी काबिल नहीं। अच्छा, एक तो हम सबको पता है लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि जो सब्जियां बनाते हैं उसे पानी नहीं डलता, क्योंकि सब्जियों में ऑलरेडी पानी होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि गली नहीं है, कुछ लोगों को एक होता है ना वहम हो जाता है कि यार सब्जी नहीं गली, हम थोड़ा पानी डाल दें, क्योंकि सब्जी आप जब भी पकाएंगे उसमें एक तो खुद पानी छोड़ती है वो, उसके अलावा हम उसमें टमाटर या दही का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इतना इनफ पानी होता है कि सब्जी जो है वो हमारी पक जाए। चलें जनाब इसको डिश आउट करेंगे। और अच्छा आप मुझे बताएं मुबशर जल्दी से कोई 5 सब पत्तों वाली सब्जी के नाम बताइए जो कि 5 हों। 5 होना ज़रूरी है? हाँ 5 से ज़्यादा बताएं। चले ओहो, तो मैं 5 ज़्यादा कर दिया। अच्छा मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चौलाई, कुल्फा, और आपने मूली के पत्ते की भी सब्जी बनती है, पत्तों की भी सब्जी। अच्छा बनती है। और अगर आप बीन्स लें, चुकंदर, उनके सबके बीन्स के। अच्छा चुकंदर का आप मुझे बता सकते हैं? चुकंदर अक्सर लोग बनाते हैं तो कहते हैं कि मीठे हो जाते हैं, मीठे क्यों होंगे? चुकंदर बनता है लोग हाँ। कहते हैं कि चुकंदर मिठास होती है ना उसमें। नहीं एक्चुअली होता ये कि किस तरीके से आप बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपने उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड इन कर लिया या सोक इन कर लिया, यूजली हम जिस तरीके से बनाते हैं वो सोक इन रखते हैं। अच्छा, विनेगर के अंदर, ठीक है, तो उसका स्वीटनेस ख़त्म हो जाता है। मैं इस वक्त हरी मिर्च ऐड इन कर रही हूँ, ठीक है, और इसके साथ मैंने ऐड इन किया लेमन स्क्वीज, हसबे जायका, और हमने इसको थोड़ा सा बीन आउट कर लिया। एंड दैट्स अबाउट इट। जब तक मुबशरा जो है वो गार्निशिंग करती हैं थोड़ी सी अपनी रेसिपी की, जब तक आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रीकैप। कुल्फा और चौलाई की सब्जी बनाने की तरकीब। अज्जा, कुल्फा 2 गट्ठी, चौलाई 2 गट्ठी, प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका, तेल 1/2 कप। तरकीब, कुल्फे और चौलाई की पत्तियां चुन लें, इसके बाद
कुल्फा और चौलाई को धोकर एक तरफ रख लें। हांडी में तेल डालकर प्याज डाल दें और लाइट गोल्डन ब्राउन कर लें। इसके बाद इसमें ज़ीरा, नमक, हरी मिर्च, कुल्फा और चौलाई मिलाएं। 20 मिनट तक इसको पकने दें। जब कुल्फा और चौलाई पक जाए तो उसे 5 मिनट तक भून लें। मज़ेदार कुल्फा और चौलाई की सब्ज़ी तैयार है। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कुल्फे और चौलाई की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ट्रस्ट मी, अगर आप हरी सब्ज़ियाँ जो हैं वो अपने रेगुलर बेसिस पे जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो एक तो हेल्दी बहुत ज़्यादा है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और इसके साथ हो थोड़ा सा रायता और गरम गरम रोटी या पराठा तो आए हाय हाय मज़ा आ जाए। डाइट तो फिर चली गई पराठे के साथ, लेकिन अगर आप स्लाइस लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी डबल रोटी के स्लाइसेस ले लें या हरी सब्जियों के साथ ना, साग हो या पालक हो, आलू पालक की सब्जी हो उसके साथ, तो गर्मा गर्म मक्खन के साथ पराठे और चपाती या फुलके। हाँ, चपाती पे मैं एग्री करूंगी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम वजन लूज कर रहे हैं तो चपाती, अगर आप वेट लूज करें चपाती पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो दिल खोल के खाएं पराठे और मक्खन। कभी कभी चीटे रखना चाहिए, चलता बिल्कुल, है बिल्कुल। और ये बहुत ही मजे का लगता है। थैंक यू सो मच बशीरा, आप आई, आपने इतनी सारी बातें की हमारे साथ और अपनी रेसिपी जो है हमारे साथ शेयर की। आई एम श्योर आपको हमारा शो पसंद आया होगा, अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा हमारी आज की रेसिपी और अपना फीडबैक देके बताइएगा कैसी लगी आपको और आपके घर वालों को हमारी रेसिपी। और हाँ, अगर आपने आज की सब्जी बनाई है तो आपके घर वालों ने खाई या कि मुंह बनाया। तो इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूंगी, फिर मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड में एक नई रिवायती रेसिपी के साथ। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।